इधर भोपाल से खबर, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बता दें, ग्वालियर कलेक्टर के तौर पर अब अक्षय कुमार जिम्मेदारी संभालेंगे, तो शिवपुरी कलेक्टर के तौर पर रविंद्र कुमार चौधरी। इधर शिवराज सिंह वर्मा को खरगोन कलेक्टर बनाया गया है। डॉक्टर फटिंग राहुल हरिदास को बड़वानी कलेक्टर बनाया गया है। कुमार पुरुषोत्तम को उज्जैन कलेक्टर बनाया गया है। आशीष वशिष्ठ को अनूपपुर कलेक्टर बनाया गया है। तो वहीं सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघर बनाया गया है। प्रमुख नाम आपको बता रहे हैं जो तबादले हुए हैं, राज्य शासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। क्षितिज सिंघर सिवनी कलेक्टर बनाए गए हैं। इधर सोनिया मीना को मध्य प्रदेश उप सचिव बनाया गया है। एम सेलवेंद्रन को आयुक्त बनाया गया है किसान कल्याण में, और कौशलेंद्र विक्रम सिंह को अपर सचिव बनाया गया है सीएम का। और इधर आशीष सिंह, जो अब तक उज्जैन कलेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में एमडी बनाया गया है। इधर उज्जैन कलेक्टर के तौर पर अब कुमार पुरुषोत्तम नजर आएंगे। हम रुक करेंगे मनोज सैनी जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। मनोज जी, 11 आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं और इनमें से कई नाम ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जैसे उज्जैन कलेक्टर की हम बात करें, आशीष सिंह अब तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से असल में समयावधि के कारण ये ट्रांसफर हुए हैं, और वैसे भी अब 2023 की तैयारियां भी करना है, तो उसको लेकर और भी अभी कई एक और सूची आने वाली है दीपक, जिसमें और कुछ कलेक्टर को बदले जाएंगे, लेकिन कुमार पुरुषोत्तम को कलेक्टर उज्जैन बनाया गया है। बड़े अच्छे अधिकारी है, पहले गुना रहे, उसके बाद रतलाम के कलेक्टर थे, वहां से उनको यहां पहुंचाया गया है, तो बड़ी बात है। दूसरी, क्षितिज सिंगर कलेक्टर सिवनी बनाए गए। हाँ, ये जरूर है कि हम यदि बड़वानी कलेक्टर की बात करें, उन्हें एक बड़ा जिला दिया गया, बड़वानी से निकालकर खरगोन पहुंचा गया, बड़े नजदीक माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, और बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम रहा है। ऐसे ही आशीष कुमार सिंह के नाम भी ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे महाकाल लोक की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, इंदौर में रहते हुए उन्होंने कई काम किए हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से, लेकिन समय पूरा होने के कारण हटाया गया, 2 से 3 साल इनको होने वाले थे, तो कलेक्टर को बदला गया। करीब 11 कलेक्टर बदले गए, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा जिले प्रभावित हुए। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए।